लखीमपुर मामले में राहुल गांधी पर हमलावर हुई बीजेपी, कहा राहुल गांधी गलतफहमी फैला रहे, बार बार गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा राहुल गांधी अमन खराब करने की कोशिश ना करें, मुसीबत को भी गांधी परिवार मौके की तरह लेती है। संबित पात्रा ने कहा गांधी परिवार को सिर्फ अपने परिवार से मतलब, राहुल ने पोस्टमार्टम पर उठाए सवाल, क्या राहुल एक्सपर्ट हैं? राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, कहा हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का हमला, सिलसिलेवार तरीके से किसानों पर हो रहे हैं हमले। राहुल गांधी ने कहा किसानों को जीप से कुचला जा रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही, मुल्क के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। पीएम मोदी पर भी राहुल गांधी ने कसा तंज, कहा पीएम लखनऊ में थे लेकिन लखीमपुर नहीं गए, पीएम ने लखीमपुर तशद्दुद पर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा सरकार किसानों को उकसा रही है, मुल्क के ढांचे को बीजेपी आरएसएस ने काबू में किया, मुल्क में पहले जमहूरियत थी अब तानाशाही है। राहुल गांधी ने कहा मैं लखीमपुर जाने की कोशिश करूंगा, लखीमपुर की जमीनी हकीकत जानना चाहता हूं। मैलूक किसानों के परिवार वालों से मिलेंगे राहुल गांधी, कहा हम केवल तीन लोग लखीमपुर जा रहे हैं, तीन लोगों के साथ जाना दफा 144 की खिलाफवर्जी नहीं। कांग्रेस ने यूपी सरकार को लिखा खत, कहा अपने टीएमसी लीडरान और भीम आर्मी को लखीमपुर जाने की इजाजत दी, फिर राहुल पर रोक क्यों? लखीमपुर मामले में राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल गांधी सियाहत के लिए लखीमपुर जाना चाहते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा किसी को माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे, अपोजिशन लखीमपुर को लेकर सिर्फ सियासत कर रही है। जराय के मुताबिक आशीष मिश्रा आज कर सकता है सरेंडर, लखीमपुर वाकये का कलीदी मुल्जिम है आशीष मिश्रा। लखीमपुर तशद्दुद में मारे गए चौथे किसान की तीन दिन बाद अदा की गई आखिरी रसूमात, सिक्योरिटी के थे सख्त इंतजाम, देर रात हुआ था दोबारा पोस्टमार्टम। लखीमपुर खीरी के बाद सीतापुर में भी अगले हुक्म तक इंटरनेट खिदमात बंद, डीएमएसपी ने मोबाइल कंपनियों के अफसरान को लिखा था खत। यूपी के सीतापुर में इंतजामिया अलर्ट पर है, शहर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, बिना परमिशन बाहरी शख्स की एंट्री नहीं। सीतापुर में इंटरनेट सेवा बंद होने के बाद कांग्रेस का सरकार पर निशाना, कहा इंटरनेट सेवा बंद करना ये कैसा और कौन सा लोकतंत्र है। लखनऊ में लगाई गई धारा 144, कोरोना और बच्चों के इम्तिहान को देखते हुए लिया गया फैसला। सीतापुर के गेस्ट हाउस में अरेस्ट, प्रियंका गांधी ने अपने कारकुनान से की वर्चुअली बातचीत, कहा तानाशाही के सामने हम नहीं झुकेंगे, वजीर के इस्तीफे तक नहीं रुकेंगे। लखीमपुर कांड को लेकर प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, अमृत महोत्सव मनाने वाले पीएम लखीमपुर क्यों नहीं आते। अमन में खलल डालने के इल्जाम में प्रियंका गांधी गिरफ्तार, सीतापुर के गेस्ट हाउस को बनाया गया आरजी जेल, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा मैं लखनऊ जाने के लिए तैयार था लेकिन मुझे जानकारी मिली कि मुझे एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा ने पोस्ट में कहा मैं हैरान हूं कि मैं अपनी अहलिया की मदद के लिए नहीं पहुंच पा रहा हूं, मेरे लिए मेरी बीवी मेरा परिवार सबसे पहले है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लखीमपुर खीरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग, इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई को भी शामिल करने की मांग। स्टिंग ऑपरेशन के जरिए चश्मदीदों ने खुफिया कैमरे पर बताया वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ना तो जायवाक्त पर मौजूद थे और ना ही अपनी गाड़ी में मौजूद थे। सुमित जायसवाल का इंकशाफ, हमलावरों के पास धारदार हथियार थे, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे।
सुमित जायसवाल का दावा, वजीर के बेटे को मारने की साजिश थी, आशीष मिश्रा वहां पर मौजूद नहीं थे, गाड़ियों पर ईंट पत्थरों से हमला हुआ। लखीमपुर तशद्दुद मामले में एसआईटी तश्कील, तशद्दुद की जांच के लिए 6 रुकनी टीम तश्कील, एसआईटी में सीओ लेवल के अफसर शामिल। लखीमपुर खीरी कांड पर महलुकीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ, किसी भी किसान की मौत गोली लगने से नहीं हुई, चोट और घसीटने से हुई मौतें। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले शिवसेना नेता संजय राउत, कहा प्रियंका ने हिम्मत दिखाई, संजय राउत ने की प्रियंका गांधी की तारीफ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कांग्रेस का कैंडल मार्च और मशाल जुलूस, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ किया एहतजाज। पंजाब के अमृतसर में कांग्रेस कारकुनान ने निकाला कैंडल मार्च, लखीमपुर वाकई और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर दर्ज किया एतराज। दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, लखीमपुर तशद्दुद के कसूरवारों पर कार्रवाई का मुतालबा, तीनों कृषि कानून वापस लेने की भी अपील की। लखनऊ से दिल्ली लौटे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी से नहीं हो पाई मुलाकात, यूपी पुलिस के रोकने पर लखनऊ एयरपोर्ट पर दिया था धरना। लखीमपुर खीरी वाकये को लेकर सीएम गहलोत का ट्वीट, कहा जमहूरियत में बीजेपी सरकार का रवैया है फासिस्ट। यूपी के लखनऊ में एनएसजी की सुदर्शन भारत परिक्रमा कार रैली को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिखाई हरी झंडी, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम। एनएसजी के प्रोग्राम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आजादी के अमृत महोत्सव का गवाह होना फख्र की बात, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली थी आजादी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हुई एयरफोर्स डे की फुल ड्रेस रिहर्सल, जवानों ने किया मार्च, 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा 79वां यौमे तासीस। इंडियन एयरफोर्स के पैराग्लाइडर ने आसमान में दिखाया करतब, तिरंगे के साथ पैराशूटर्स ने किया अभ्यास। एयरफोर्स डे पर गरजेंगे राफेल, सुखोई मिराज, ग्लोब मास्टर, 8 अक्टूबर को होगा एयर शो, एयर चीफ मार्शल लेंगे सलामी। अदाकार अरविंद त्रिवेदी के इंतकाल पर पीएम मोदी ने किया अफसोस का इजहार, ट्वीट कर लिखा रामायण के अदाकार में उनके काम के लिए उन्हें याद रखा जाएगा। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के स्वामित्व योजना के मुस्तफेदीन से करेंगे बातचीत, 1 लाख से ज्यादा लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी सौंपेंगे पीएम मोदी। कुलभूषण जाधव को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने वकील तकरीर करने के वक्त की हद को बढ़ाया। कुलभूषण जाधव को एक काउंसिल देने से मुतालिक अर्जी पर समाअत, 3 जजों की बेंच ने की समाअत। इन्वेस्को की नियत पर जील के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने उठाए सवाल, कहा इन्वेस्को के पीछे किसका हाथ, इन्वेस्को किस बुनियाद पर जील में चाहता है बदलाव। चीन पर एयरफोर्स चीफ का बयान, कहा चीन ने एलएसी पर तैनाती बढ़ाई, 3 एयरबेस तैयार किए, हिंदुस्तान हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। गैर आईनी मजहब तब्दीली मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई, मौलाना कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट के दफ्तरों पर छापेमारी, दिल्ली के शाहीन बाग में भी रेड। छापेमारी के दौरान एटीएस को मिले कई दस्तावेज, गैर ममालिक से तार जुड़ने का शक। एनसीबी ने रेप पार्टी मामले में 4 और लोगों को किया गिरफ्तार, मामले में अब तक 16 लोग गिरफ्तार। गुजरात में गांधीनगर बलदियाती इंतखाबात में बीजेपी की बंपर जीत, 41 सीटों पर जमाया कब्जा, कांग्रेस को मिली केवल 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को मिली केवल 1 सीट। अफगानिस्तान के हर सूबे में आईएसआईएस खुरासान ने तैनात किए अपने कमांडर और गवर्नर, तालिबान पर हमले तेज करने का प्लान। तालिबान का नया फरमान, 20 साल के दौरान हासिल की गई डिग्रियों को मंजूरी नहीं, वजीर बोले पीएचडी से ज्यादा बेहतर मदरसों के तलबा।